हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पुष्पेंद्र हाईफाई मैथ्स ट्यूटोरियल्स में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए इत्मीनान से। बस आप वीडियो को देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। सुंदर तरीके से मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 5 2 0 9। ओके, ये एक इक्वेशन दी हुई है और एक और इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 3 6 0 -1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे हम इसको, बस जब भी आपको कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दिख जाए तो एक बार हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार क्या करेंगे हम, एक बार हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। बाय एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें, देखो ये और ये, बाय कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस एक्स, कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, ओके, प्लस सेकंड मैट्रिक्स, राइट। तो क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होते हैं, जब मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ में ये वाला सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ये रूल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़ते आगे हम। तो 5 और ये प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। 5 प्लस 3 कितना होता है, 8। 2 प्लस 6 कितना होता है आपका, 8। 0 प्लस 0 कितना होगा आपका, 0। 9 प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 1 कितना होगा आपका, 8। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी x की, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 2 से मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये 4, ये भी कितना जाएगा आपका 4, 0 और ये कितना जाएगा आपका 4। ये आपके x की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ गई आपके ये x की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो मैंने क्या कहा था, पहले आपको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना था, जोड़ना था। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, ओके, इक्वेशन 1, ओके, एंड 2। मैंने क्या किया, 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये और ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू, क्या बचा आपके पास में, आपके पास में ये बचा। ठीक है, क्या बच रहा है आपके पास में, 2y इक्वल्स टू 5 2 0 9, और हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स क्या हम करेंगे, माइनस साइन पुट करेंगे, क्या जाएगा आपका, 3 6 0 -1। ठीक है, माइनस साइन है तो क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या जाएगा आपका, देखिए 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, 2 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 4, ओके, 0 माइनस 0, 0, 9 और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 10। अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या जाएगा 1, यहाँ पे माइनस 2, 0 और यहाँ पर क्या जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। देखिए ये आपके x की वैल्यू है और ये आपके y की वैल्यू है, लिख दीजिएगा 10x equals to 4 4 0 4 and y equals to 1 -2 and 0 5। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, अब मजा आने वाला है। ठीक है, बस इत्मीनान से वीडियो देखते रहिए आप लोग। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यदि a इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा
माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, ठीक है। तो आपको ए और ए डैश की वैल्यू याद करनी है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें यहाँ पर a और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a का ट्रांसपोज निकालना होगा। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो a का ट्रांसपोज क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये रो है तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये रो इधर आई और इसको हम कहाँ लिख देंगे, इधर पे। तो माइनस कॉस अल्फा और इधर पर क्या जाएगा आपका, साइन अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना है। therefore a a dash equals to, a की वैल्यू क्या है आपके, a की वैल्यू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करता हूँ मैं, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट में, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इधर पे सेकेंड एलिमेंट में आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इधर पे आ जाएगा, मीन्स सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट में, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में आ जाएगा। चलिए किस तरीके से आएगा देखते हैं। मैंने क्या बताया आपको, इस फर्स्ट एलिमेंट का हम इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, साइन का मल्टीप्लाई, साइन से किया तो साइन स्क्वायर, अल्फा है तो अल्फा, ठीक है। अब ये कॉस का मल्टीप्लाई इस कॉस के साथ करेंगे, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखना कि पहला एलिमेंट फर्स्ट के साथ में, सेकंड वाला सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो देखिए साइन अल्फा का साइन अल्फा से किया तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ करेंगे क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक ओके। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया आपका। अब क्या करना है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस से हुआ तो क्या गया, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर हम दोनों के बीच में क्या साइन पुट करते हैं, प्लस साइन पुट करते हैं, ओके ठीक। मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, इसके साथ, तो क्या जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। कोई डाउट आपको, वेरी गुड, नहीं भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो क्या जाएगा आपका, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर प्लस साइन तो लगाते ही है, साइन का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, इस साइन का मल्टीप्लाई साइन से करूंगा तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, वेरी गुड। अब आपको पता है आइडेंटिटी याद है, चलिए क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, तो बस यही आइडेंटिटी हमें इधर पे पुट करनी है, तो क्या जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, इधर पे भी 0 और इधर पे क्या जाएगा 1, दिस इज योर आंसर। ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे तो आप इसको आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर विदाउट, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, मजा आने वाला है, बस बिंदास तरीके से देखते रहिए इन क्वेश्चन को, आसान मेथड से आसानी से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, बस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डिफ्रेंशिएट करना है, अवकलन करना है हमें, किसका करना है अवकलन हमें, कॉस साइन एक्स का, ठीक है, कॉस साइन एक्स का मुझे अवकलन करना है, तो मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, क्या मान लिया, वाई, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स, आपको पता है कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है अवकलन, माइनस साइन एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और इधर पर x की जगह पर क्या है साइन x,
और मैंने बताया था आपको जब डिफरेंशिएशन सॉल्व कराया था, जब भी एक्स्ट्रा हो तो उसका भी हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, अवकलन कॉस, तो ये आ जाएगा आपका साइन साइन एक्स, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। आसान है, बहुत ही बढ़िया, मजा आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज हम 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी अधिक है, तो चलिए इनको ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में टफ क्वेश्चन जो होंगे 4 और 5 मार्क्स के, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है वो 2x2-1, इसको हमें x=3 पर फाइंड आउट करना है, x=3 पर ये फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की, सतत सांतत्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले तो हम इसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना दिया हुआ है, 3 पर करना है ना, तो क्या होता है fx। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू क्या है 2x2-1, x की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा 3, तो क्या जाएगा 2 × 3² - 1, 9, 3² मींस 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 कितना होता है 17, क्लियर, ये हमारा 17 आ गया। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, f3 की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर पे मैं देखिए x की जगह मैंने कितना पुट किया 3, तो यहाँ पे मैं x की जगह कितना पुट कर दूंगा 3, ठीक, तो ये आ गया 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 कितना होता है 17, दोनों इक्वल है 10। ओके, लिमिट x tends to 3 fx equals to f3 equals to 17 as the given function is continuous at point x equals to 3, ये लिखना है आपको एंड में, और ये ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। मींस आपका ये जो फलन है वो x equals to 3 पर सांतत्य है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आने वाला है, मजे से देखते रहें बस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समाकलन निकालना है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का। ये मैंने आपको जब इंटीग्रेशन कराया था उस टाइम पे भी सॉल्व कराया था, और आज भी सॉल्व करा देता हूं मैं आपको, मजा आने वाला है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है आंसर, इसको मैंने सपोज क्या किया, आई लेट आई इक्वल्स टू दिस वन, राइट, मैंने बताया था आपको इसको क्या कर लेते हैं अपन, सेपरेट कर लेते हैं 1/cos² और sin x/cos² को क्या लिख सकता हूं मैं, cos x लिख सकता हूं, और ये पूरे का इंटीग्रेशन मींस समाकलन, ठीक है, पूरे का समाकलन करना है। 1/cos क्या होता है आपका, 1/cos होता है sec²x माइनस sin/cos क्या होता है आपका 10x, और 1/cos क्या होता है आपका sec x, ठीक है, और ये टोटल का क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन, क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलिए मैंने आपको बताया था sec² का क्या होता है इंटीग्रेशन, sec² का होता है आपका 10x, और sec x 10x का क्या होता है sec x होता है, तो इसका आंसर क्या आया आपका, इसका आया आपका 10x माइनस sec x, और जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जो कि क्या है आपका c, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस देखते रहिए, हाँ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करें और देखें, ठीक है, आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक, एक बार इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, आपको एक सदिश दिया है a, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 2i + 3j + k, ठीक है, इसके अनुदिश, ठीक है, आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है आपको। कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको इसका मॉडुलस निकालना पड़ता है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है,
जेके कोफिशियंट का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, ओके का कोफिशियंट कितना है 1, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो मॉडुलस ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14, कितना आ गया आपका वो 14। तो यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ए सदिश ए और उसका मापांक, ठीक। तो ए कितना दिया है आपको 2i प्लस 3j प्लस k, राइट, और आपका मॉडुलस कितना आया है √14, दिस इज योर यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या है आपका मात्रक सदिश है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सुंदर क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से सॉल्व कीजिएगा, मन से दिल से सॉल्व करें, मजा आने वाला है आपको, ठीक है, बस दिल से सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको दिए हुए हैं दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी, और आपको उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ठीक है। वेक्टर में डॉट और क्रॉस दो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन होते हैं। इफ यदि ए इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको आई माइनस 7j प्लस 7k, ठीक है, और बी दिया हुआ है आपको कितना 3i माइनस 2j क्लियर प्लस 2k, तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, बहुत ही आसान। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे, उससे आसानी से निकल जाएगा। आई जे के 3 वेक्टर्स है हमारे पास में, ठीक है, वेक्टर्स हमारे पास में ए भी है, ठीक है, उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दैट हम उनका यूज करेंगे। आई जे के कोफिशिएंट लेंगे, आई जे के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, पहले वेक्टर ए के कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये माइनस 7 है और ये कितना है 7, फिर बी में क्या है 3 है माइनस 2 है और 2 है, ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सबसे पहले आई को हाइट किया तो क्या मिला आपके पास में, आई को हाइट करने पर माइनस 7 7 माइनस 2 और 2 मिला, फिर माइनस साइन अल्टरनेटिव साइन से हम इसको लेके सॉल्व करते हैं जे, फिर जे को हाइट किया क्या मिला आपको 1 7 3 2, और फिर उसके बाद में क्या लेंगे अपन के लेंगे, ठीक है, हमें क्या लेना है के लेना है, के को हाइट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के को हाइट करने पर आपको मिलेगा 1 माइनस 7 3 माइनस 2, 1 माइनस 7 3 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई इसका मल्टीप्लाई इससे करना और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, दोनों के बीच में माइनस साइन पुट करना है, माइनस 14 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 2 14, राइट, माइनस जे, अगेन वही मेथड हमें अप्लाई करनी है, यही मेथड 2 1 2 माइनस 7 3 21, ठीक, ओके, अगेन यही मेथड हमें यहां पर भी अप्लाई करनी है 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है ना, 7 3 21। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, थोड़ी देर में चलेंगे, पहले अपन इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा ये आपका, ये जीरो हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 14 जीरो, तो ये नहीं है, देखिए 2 माइनस 21 माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 19j, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 माइनस 2 कितना होता है 19k, दिस इज योर ए क्रॉस बी। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर और जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट, आई कितना जीरो है तो उसका तो जीरो ही रहना है, 19, क्लियर आ रहा है ना समझ में, वेरी गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ओके प्लस 361 कितना आ जाएगा आपका, यस 361 1 प्लस 1 2 12 कैरी ओवर 1 6 प्लस 1 7 722 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया हुआ है कि एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके जो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है,
एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के एंगल दिए हुए हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। अक्षों की दिशा के अनुदिश आपको कोण दिए हुए हैं, आपको दिक् कोसाइन निकालना है, मीन्स डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए क्या क्या एंगल दिए हुए हैं आपको, आपको एंगल दिए हुए हैं अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। एल इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू होता है कॉस बीटा और एन इक्वल्स टू होता है आपका कॉस गामा। ठीक है, वेरी गुड। एल कॉस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस बीटा की वैल्यू जो है, बीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री का है और एन गामा कितने डिग्री का है आपका 30 डिग्री का। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है कितनी होती है भाई, जीरो। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपके क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इंटरसेप्ट कट करती है 2, 3 और 4 का। ठीक है, हमें क्या करना है, समतल का समीकरण फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है जो अक्षों पर अंतरखंड काट रहा है 2, 3 और 4 का। ठीक है, तो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4। ठीक, समतल के समीकरण, समतल का समीकरण जो अक्षों के साथ 2, 3, 4 का अंतरखंड कट करता है क्या होता है, x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू 1। इन सबका एलसीएम कितना आ गया 12। इससे इसको डिवाइड करेंगे 6, 6 का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना जाएगा 6x। 3 से 12 को डिवाइड किया कितना आया 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, लाइक वाइज 4 से इसको डिवाइड किया 3, 3 का मल्टीप्लाई z से करेंगे तो कितना जाएगा 3z इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 12। दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, आपके लिए मजा आने वाला है, बस देखते रहिए वीडियो। ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिया हुआ है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है fx equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 10। ठीक है, हमें बताना है सभी वास्तविक नंबर के लिए यह वर्धमान है, means for all real number it is increasing। हमें क्या बताना है कि ये increasing function है। ठीक है, किस तरीके से बताएंगे हम, increasing बताने के लिए हमें इसका derivative निकालना होता है। f x का क्या हो जाएगा derivative, f dash x, 3x, x cube का क्या होता है 3x square। ठीक है, 3x square का कितना हो जाएगा 6x और 3x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा ओनली 3 और 10 का हो जाएगा 0। कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, 0 होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे हम सॉल्व, तो 3 कॉमन आ रहा है टोटल इक्वेशन से, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर 2x और यहाँ पे बचा आपका 1। ठीक है, क्लियर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये हमेशा 0 से ग्रेटर आएगी, ऑब्वियसली x की कोई भी वैल्यू रहेगी आपकी हमेशा, ये किससे रियल नंबर है। ठीक है ना, रियल नंबर में ये जो है 1, 2, 3, 4 या माइनस 1, 2 कुछ भी पुट करोगे हमेशा ये स्क्वायर होने के कारण क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो 0 से क्या रहेगा ग्रेटर ही रहेगा, 0 से ग्रेटर है। इट मीन्स वॉट, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, सभी एक्स के सभी मानों के लिए जो कि क्या है वास्तविक है।
एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए ये क्या है आपका वर्धमान है। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट वॉट रेट द एरिया इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा जब उसकी त्रिज्या जो है रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। चलिए सॉल्व करते हैं अपन मजे से, मजा आने वाला है। ठीक है चलो दोस्तों, तो हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस को इंक्रीज होने की रेट दी है, मींस रेडियस को बढ़ने की दर दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है आपको, वो दी हुई है इंक्रीज होने की दर, दर जो होती है, रेट जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं डी आर, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितनी दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है सॉल्व, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पाई कांस्टेंट टर्म है, ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, पर ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है, इनको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या जाएगा ये डी अपॉन डी आर, यहाँ पे आर स्क्वायर और इधर पे डी आर और ये डी टी है यहाँ नीचे। ठीक है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो 2R पाई इनटू इसकी वैल्यू क्या है dr अपॉन dt की, dr अपॉन dt की वैल्यू है 2, इनटू कर देंगे 2 2 जा 4। ठीक है, हमें एरिया की वैल्यू निकालनी है कब, जब आपकी रेडियस जो है r इक्वल्स टू 10। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। ठीक है, और पाई एज इट इज कितना आ गया 4 10 जा 40 पाई, राइट, एरिया है तो क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इस रेट से जो है एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये सभी आईएमपी क्वेश्चन है, इनको आप एक बार जरूर सॉल्व करें, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ हाफ मींस 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें देखिए एक गुब्बारा जो है, ठीक है, गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो उसका आयतन किस रेट से बढ़ेगा, किस दर से बढ़ेगा, जबकि उसकी त्रिज्या क्या हो 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए क्या दिया हुआ है आपको कि जो रेडियस इंक्रीज होने की रेट है, त्रिज्या बढ़ने की दर कितनी दी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो देखिए एयर बबल कैसा होता है, स्पेयर की तरह होता है, गुब्बारा जो है वो कैसा होता है, स्पेयर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एयर बबल लिख दीजिए आप, गुब्बारा लिख दीजिए, गुब्बारे का आयतन। ठीक है, तो क्या होता है भाई, गुब्बारे का आयतन एयर बबल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, v से, तो इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv अपॉन dt है, तो इधर पे क्या हो जाएगा 4/3 πd/dt और ये r का क्यूब 4/3 π, इसको भी हम वही करेंगे d अपॉन dr r क्यूब इंटू dt अपॉन सॉरी dr अपॉन dt। ठीक है, dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी हुई है, dr अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है 1/2। ठीक है, यहां पर इसका क्या होगा डेरिवेटिव 3r स्क्वायर और इसकी वैल्यू है आपके 1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 से 3 को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 को कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां पर ये बचेगा, तो 2 2 जा 4 2 πr² यही बच रहा है आपको, r की वैल्यू कितनी दी हुई है,
आर की वैल्यू दी हुई है आपको 1 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें वॉल्यूम कब निकालना है, जब आपको आर जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया, क्या जाएगा 2 पाई, और 1 स्क्वायर मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्या जाएगा आपका 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। और यह जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, 2 पाई के रेट से बढ़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, बढ़िया। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए, आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से सॉल्व करें, एक बार प्रैक्टिस करें, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम जाए, वीडियो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, उसे मजा आएगा आपको देखने में, समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।